नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवरी न्यूज़ में। और दोस्तों, आज जो हम इवनिंग में चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा है इलाहाबाद हाई कोर्ट RO नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि स्टूडेंट्स के इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने सोचा कि आप लोगों से उस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दूँ, ताकि आप लोगों की जो भी क्वायरीज हैं उनको एक जवाब मिल जाए, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 16 को एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये बताया गया था कि मई में इसके नोटिफिकेशन के आने के चांसेस ना के बराबर है, ये नहीं आएगा और ये नेक्स्ट मंथ जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा था जून के लिए। और उसके बाद जो है मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बताया कमेंट्स में, और भी जानने वाले लोग हैं कि जून की छुट्टी रहती है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो वो तो हम सबको पता है कि जून की इलाहाबाद हाई कोर्ट की छुट्टी रहती है। लेकिन मैं ये पूछा मैंने जहाँ मेरे सोर्सेज हैं उनके माध्यम से, कि क्या छुट्टी होने के बावजूद भी जून को नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि मई में तो नोटिफिकेशन आ नहीं रहा है ये तो हम लोगों को पता लग चुका है। तो दोस्तों, उसके बारे में जो मुझे जानकारी मिली है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, हमारे जो सूत्र हैं उनसे हमें ये पता चल रहा है कि मई में नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है और जून में भी नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, और आगे की जानकारी मैं आपको बहुत जल्द बताता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि नोटिफिकेशन जून में आए या मई लास्ट में आ जाए या फिर आगे पोस्टपोन किया जाएगा, उसके बारे में मुझे कुछ समय दिया गया है बताने के लिए। जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों को सबसे पहले उसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।